अस्सलाम वालेकुम. अ टॉपिक इज़ अबाउट द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम फ्रॉम द चैप्टर 3 ऑफ योर बुक 10 टीचर्स, दैट इज़ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द हार्मोनल डिसऑर्डर्स. इस चैप्टर को हमने रीड कर लिया था, देख लिया था, लेकिन इसका एक टॉपिक छोटा सा रह गया था अबाउट द PCOS, दैट इज़ द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो उसको हम देख लेते हैं. इसके अलावा इस टॉपिक में से आपके जो है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उसका भी थोड़ा सा रह गया है, वो भी मैं इंशाल्लाह साथ इसके कवर कर देती हूँ. ठीक है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आपको पता होगा, वेरी वेरी कॉमन इन द फीमेल्स. ठीक है. तो सबसे पहले क्या है कि इसमें आपको नज़र आ रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरी. ठीक है. इसमें ये सिस्ट बन जाते हैं ओवरी के अंदर. तो हमने ये देखना है कि ये सिस्ट ओवरी के अंदर कैसे बनते हैं. ठीक है. तो PCOS इज़ एक्चुअली द सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन. ठीक है. जिसमें क्या होता है कि साथ में फीचर्स आ रहे होते हैं हाइपर एंड्रोजिनिज्म के, मतलब एंड्रोजन्स का लेवल इन फीमेल्स में ज़्यादा होता है और हमारी जो ओवरी होती है उसमें हमें पॉलीसिस्ट मिल रहे होते हैं. ठीक है. तो ये हमने देखना है इसकी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि ये किस तरह से डेवलप होता है. सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के लिए आपने ना एक चार्ट बना लेना है अपने पास. ठीक है. और उसी से आपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो याद रखनी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि पोली जो ओवरी है उसके अंदर सिस्ट कैसे बनते हैं इतने ज़्यादा, और बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इस तरह की चेंजेस आ रही होती हैं. और आपको पता होगा इन फीमेल्स की जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ होती हैं कि इनको जो है या तो मेंसेस आते ही नहीं हैं इतने महीने या इतने साल, और दूसरा ये कि उनको अगर मेंसेस आते हैं तो बहुत ओलिगोमेनोरिया होता है, मतलब साल में उनको जो है वो नॉर्मल अगर फीमेल को हर महीने मेंस्ट्रुएशन हो रही है 20 डेज़, एवरी 20 डेज़ 8 डेज़. ठीक है. तो इन फीमेल्स को क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो साल में बहुत कम 3 से 4 दफ़ा आएगी अगर बहुत डिलेड स्टेज है. ठीक है. तो इससे हम जो है वो हमने देखना है कि एक्चुअली होता क्या है, कि किस तरह से जो है ना ये कंडीशन डेवलप होती है. ठीक है. सो उसके लिए हमारे पास एक पैथोफिजियोलॉजी के लिए एक होना चाहिए कुछ. ठीक है. तो उसको देख लेते हैं. सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी के लिए आपने जो है एक बना लेना है. सबसे पहले आपको पता है कि हमारी ओवरी के अंदर एक होती है फॉलिकुलर फेज़. ठीक है. फिर होती है ओवुलेटरी फेज़ और फिर होती है ल्यूटियल फेज़. ठीक है. जो फॉलिकुलर फेज़ होती है उसमें आपको पता है कि ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे होते हैं, और हमने बहुत दफ़ा देखा कि ग्राफियन फॉलिकल्स की दो लेयर्स होती हैं. एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स. ये जो पिंक कलर के मैंने बनाया है दीज आर द ग्रैनुलोसा सेल्स, और इसके बाहर जो आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के दीज आर द थीका सेल्स. ठीक है. होता क्या है कि थीका सेल्स जो है ये बहुत ज़्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, LH प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इन फीमेल्स के अंदर एक हद से ज़्यादा LH प्रोड्यूस होता है. और जब भी LH प्रोड्यूस होता है तो वो क्या बनाता है, थीका सेल्स उसकी LH की वजह से क्या बनाते हैं, एंड्रोजन्स बनाते हैं. ठीक है. और एंड्रोजन्स जो हैं वो फिर जाते हैं हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स के पास, और ग्रैनुलोसा सेल्स के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एरोमाटेज. ठीक है. ये एरोमाटेज क्या करता है, जो एंड्रोजन्स होते हैं या एंड्रोस्टीन डायोन होती है इसको कन्वर्ट कर देते हैं ईस्ट्रोजन के अंदर. ठीक है. तो क्या हुआ, हमारे थीका सेल्स ने LH प्रोड्यूस किया, LH जो है उसकी वजह से थीका सेल्स में से निकला एंड्रोस्टीन डायोन, या हम कह सकते हैं एंड्रोजेंस टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. और फिर क्या हुआ कि हमारे जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनके पास होता है एरोमेटेज एंजाइम, उस एरोमेटेज एंजाइम ने क्या किया, एंड्रोस्टीन डायोन को कन्वर्ट कर दिया ईस्ट्राडायोल. अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाता है कि ईस्ट्राडायोल का लेवल जो है वो बॉडी में हो जाता है ज़्यादा. ठीक है. अब ये जो हमारी जो है, एक तो हमारे दो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर, एक हमारा जो है ये एंड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं. ठीक है. एक हमारे ये एंड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरा हमारी बॉडी में क्या ज़्यादा हो रहा है, ईस्ट्राडायोल. ठीक है. तो एंड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं और ईस्ट्राडायोल ज़्यादा हो रहा है. फिर क्या होगा, ये जो एंड्रोजन्स हैं ये जब ब्लड में एक्सेस हो जाएंगे तो क्या होंगे, हमारे जाएंगे फैट सेल्स के पास, एडिपोज टिश्यूज़ के पास. एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर भी एंजाइम होता है एरोमाटेज. ठीक है. और वो एरोमाटेज अगेन के जो एंड्रोजन्स होते हैं इनको कन्वर्ट कर देता है ईस्ट्रोन में, मतलब ईस्ट्रोजन में. ठीक है. तो बॉडी में एज अ रिज़ल्ट हो क्या रहा है, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट है और हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेट है. ठीक है. अब ये जो हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होगी इसका पिट्यूटरी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा,
ये पिच्यूटरी के ऊपर क्या करेगा, पिच्यूटरी के ऊपर जाएगा और वहाँ पर जाकर क्या करेगा कि वहाँ से हमारे हो जाएंगे जो FSH LH हैं उनका लेवल हो जाएगा कम। ठीक है, FSH और LH जो है उनका लेवल हो जाएगा कम, FSH का लेवल, ठीक है, FSH का लेवल कम हो जाएगा। ईस्ट्रोजन जो होता है ना ये LH को ज़्यादा करवाता है, हमने पढ़ चुके हैं इसको हम। अच्छा, जब पिट्यूटरी के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आएगा कि बॉडी में बहुत ज़्यादा ईस्ट्रोजन है, तो पिट्यूटरी क्या करेगी, FSH का लेवल कम रिलीज़ करेगी। जब FSH का लेवल कम होगा तो क्या हमारे फॉलिकल्स अच्छे बन पाएंगे, क्योंकि फॉलिकल्स को तो FSH चाहिए था अच्छी तरह डेवलप मेच्योर होने के लिए। तो हमारे फॉलिकल्स जो हैं वो FSH सही ना होने की वजह से क्या हो जाएंगे, इमेच्योर बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इमेच्योर फॉलिकल्स, ये मैं फॉलिकल्स बना रही हूँ, ठीक है, ये जो हमारे फॉलिकल्स हैं ये इमेच्योर बनेंगे, बड़े बड़े अजीब किस्म के बनेंगे। और ये फॉलिकल जब इमेच्योर होंगे तो ये हमारी ओवरीज के अंदर सिस्ट की फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जब हमारी फॉलिकुलर स्टेज के बाद ओवुलेटरी फेज़ है वो भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जब ओवुलेटरी फेज़ नहीं आएगी, क्योंकि फॉलिकुलर के बाद ओवुलेटरी स्टेज थी, फॉलिकुलर स्टेज ही सही काम नहीं करी तो ओवुलेटरी फेज़ भी नहीं आएगी, ओवुलेटरी फेज़ नहीं आएगी तो पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। ठीक है, और ओवुलेटरी फेज़ नहीं आएगी तो बाद में ल्यूटियल फेज़ भी नहीं आएगी। ल्यूटियल फेज़ में क्या होना था, प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होना था। जब प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ नहीं होगा तो उसके रिजल्ट में आपको पता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अनपोज्ड हो जाएगा और ईस्ट्रोजन और ज़्यादा बॉडी में उल्टी हरकतें करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है। क्या हुआ था, एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ कि हमारे थे तीन स्टेजेस, फॉलिकुलर स्टेज, ओवुलेटरी और ल्यूटियल फेज। ग्राफियन फॉलिकल्स जो थे उनके अंदर ग्रैनुलोसा और थीका सेल्स थे, थीका सेल्स ने LH की वजह से प्रोड्यूस किया एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स के ग्रैनुलोसा सेल्स के पास, उन्होंने एरोमाटेज के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया ईस्ट्राडियोल। एंड्रोजन्स हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के पास भी गए, वहाँ से भी ईस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ। एज अ रिजल्ट हाइपर एंड्रोजेनिक स्टेज, हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेज और हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेज ने FSH का लेवल करवा दिया कम, एक्शन ऑन पिट्यूटरी के थ्रू। FSH हो गया कम तो फॉलिकुल्स इमेच्योर पैदा हुए, जिसकी वजह से पॉलीसिस्ट बन गई ओवरी में, और ल्यूटियल फेज़ नहीं आई, ओवुलेटरी फेज़ नहीं आई, ओवुलेटरी फेज़ नहीं आएगी तो पेशेंट को मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, ल्यूटियल फेज़ नहीं आएगी तो प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा बॉडी में। ठीक है, और पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो है वो आगे से उसकी फर्टिलिटी सब फर्टिलिटी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक और काम हो रहा होता है इन लोगों में, ठीक है, ड्यू टू सम जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, किसी भी वजह से क्या होता है इन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जेनेटिक इश्यूज की वजह से या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से या फैट्स इंटेक ज़्यादा होने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, डाइट प्रॉपर ना होने की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब इंसुलिन ज़्यादा होती है तो वो जाती है हमारे एड्रीनल्स के पास, ठीक है, एड्रीनल्स के पास, और एड्रीनल्स जो है उनके अंदर से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, एंड्रोजन्स। ठीक है, उनके अंदर से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, एंड्रोजन्स। एज अ रिजल्ट फिर से एंड्रोजन्स ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, बॉडी में हाइपर एंड्रोजन स्टेट होगी। तो एंड्रोजन जब भी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो मेल्स वाली सारी आ जाएंगी, हिर्सूटिज़म, एक्नी, ये पेशेंट को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो हमारे लिवर, हमारे मसल्स, हमारे फैट सेल्स वो ग्लूकोज अपटेक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हो जाएगी डायबिटीज़ टाइप 2। ठीक है, समझ आ गई ये सारी पैथोजेनेसिस की। तो हम अगर बात करें, ये सारी हमारी पैथोजेनेसिस थी। ठीक है, इसके अलावा जो इंसुलिन होती है ना ये LH का लेवल भी बढ़ाती है। ठीक है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, LH फिर उनमें से हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, LH हो जाएगा ज़्यादा, और LH जब ज़्यादा होगा तो सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इन लोगों में एज अ होल क्या हो रहा है, LH भी ज़्यादा है, ईस्ट्राडियोल भी ज़्यादा है, एंड्रोजन्स भी ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जो है FSH का लेवल कम है।
प्रोजेस्ट्रॉन कम है, तो ये समझ आ रही है सारे क्या चीज़ें चल रही हैं? तो ये है, तो जो पैथोलॉजी समझ आ जाती है ना, फिर हम आगे से जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे इन पेशेंट्स को? ओलिगो एमेनोरिया होगा, समझ आ गई क्यों होगा। देन सब फर्टिलिटी होगी, क्यों होगी बता दिया मैंने। ओबेसिटी होगी, क्यों होगी, ठीक है। ओबेसिटी इनको वैसे ही होती है, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और ज़्यादा ओबेसिटी और ज़्यादा जो है डायबिटीज़ होगी इन लोगों को। कैंथोसिस नाइग्रिकेंस हो सकती है इन लोगों को, ठीक है। कैंथोसिस नाइग्रिकेंस क्या होता है कि इनकी जो स्किन पिगमेंटेशन होना शुरू होती है एक्जिला में और अदर फ्लेक्चर्स में, ठीक है। और कभी कभार ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। इसके अलावा हिर्सूटिज्म और एक्नी होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका जो होता है उसको हम कहते हैं, आपका यूक्यू भी आया हुआ है, इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है उसको हम कहते हैं रोटरडम क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि इनमें से जो हैं, ये जो तीन चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इनमें से दो होने चाहिए लाजमी, ताकि हम उसको लेबल करें एज द पीकॉस। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ओलिगो या एमेनोरिया, ठीक है। ये पेशेंट को होगी, फीमेल कंप्लेन करेगी कि मुझे मेंसेस नहीं आए 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, ठीक है, ये कंप्लेन करेगी। फिर जब उसका हम क्लिनिकल या बायोकेमिकल टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा मिलेगा, FSH का लेवल कम मिलेगा, LH का लेवल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जो रेशो होनी चाहिए LH और FSH की, वो 3:1 से अगर ज़्यादा आ रही है, इट मींस दैट इन पेशेंट्स के अंदर जो है वो पीकॉस है, ठीक है। इनके अंदर एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा मिलेगा, ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा मिलेगा, तो बायोकेमिकल और क्लिनिकल साइंस ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म इनके अंदर होंगे, ठीक है। और तीसरा क्या है कि इनके अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज मिलेंगी, ठीक है, लाइक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने किसी का अल्ट्रासाउंड किया और हमें पॉलीसिस्ट नहीं मिले तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं है, ठीक है। उसके अंदर ओलिगो एमेनोरिया है और बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटीज़ आ रही हैं तो हम उसको लेबल कर देंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। मतलब इन तीनों में से दो होने चाहिए इस क्राइटेरिया के, रोटरडम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ताकि हम उसको पीकॉस लेबल करें, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है इसका। देन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की फॉर्म में जो है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की फॉर्म में हमें जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी मिलती है लाइक दिस, ठीक है, नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है। ये जो है आपको नज़र आ रही होगी पॉलीसिस्टिक, ये जो सारे नज़र आ रहे हैं पॉलीसिस्ट, ठीक है, दीज आर एक्चुअली द पॉलीसिस्ट एंड दीज आर लाइक द स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड पर आपको ये नज़र आता है। मैनेजमेंट क्या होगी? सबसे पहले जनरल मैनेजमेंट होगी, पेशेंट को कहेंगे वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइज करें, डाइट अपनी अच्छी रखें, फैट इंटेक कम करें, और इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करें, ठीक है। देन आपके आते हैं ड्रग्स, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये आपके कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑब्वियसली आपके जो मेंस्ट्रुएशन होगी उसको रेगुलर करेंगी। जैसे कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन के चैप्टर में पढ़ा कि 21 डेज हम पिल्स लेते हैं, 7 डेज की ब्रेक देते हैं, वो जो 7 डेज ब्रेक होती है उसमें आपकी विड्रॉल ब्लीडिंग हो जाती है। पेशेंट को 6 महीने का कोर्स करवाएंगे या 3 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। साथ में हम पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग एक जो साइकिल के थ्रू हो रही होती है, तो पेशेंट की एक जो मेंस्ट्रुअल है वो रेगुलेट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन होती है, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो इसके अलावा जो है हम उसको COCP की के अलावा हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके विड्रॉल ब्लीड को रेगुलेट करती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज़ अ मेटफॉर्मिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों को मेटफॉर्मिन हम देते होते हैं कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करेगी, जो एंड्रोजन ज़्यादा हुए उसको ट्रीट करेगी, जो एनोवोल्यूशन है उसको ट्रीट करेगी, एक्ने को ट्रीट करेगी और वेट लॉस करवाएगी, ठीक है। मेटफॉर्मिन आपको पता है वेट लॉस करवाती है, डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए हम देते हैं, वेट लॉस करवाती है। फिर वी हैव द क्लोमिफीन। क्लोमिफीन क्या होती है, उन लोगों के लिए जिनको सब फर्टिलिटी का इशू है, ठीक है। ये फीमेल आई है कि डॉक्टर साहब कंसीव नहीं कर पा रही और हमने देखा पीकॉस है, तो हम उसको क्लोमिफीन देते हैं ताकि ओवुलेशन इंडक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ओवियन ड्रिलिंग, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर दिस, कि हम क्या करते हैं कि अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा सिस्ट पड़े हुए हैं ओवरी में और वो मेडिकेशन से या लाइफ स्टाइल चेंजेस से ठीक नहीं हो रहे, तो फिर हम क्या करते हैं, ओवरी ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। ड्रिल्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि उनकी जो वो सिस्ट होते हैं उनको ड्रिल आउट कर देते हैं, ठीक है। उस आदमी हम मेडिकेशन करवाते हैं।
फिर जो एंड्रोजेनिक एंड्रोजन ज़्यादा हुए उनको भी इसको कम करना है ना हमने, तो उसके लिए वी हैव द सिप्रोटीरोन एसीटेट। सिप्रोटीरोन एसीटेट जो है ये डाइन 35 में इसकी आती है कॉम्बिनेशन विद द इथानाइल एस्ट्राडायोल, ठीक है, हम इसको देते हैं सिप्रोटीरोन एसीटेट, ठीक है, उससे ये ट्रीट होगा। देन वी हैव द इफ्लोर्निथीन, ठीक है, इफ्लोर्निथीन जो है ये वैनिका की फॉर्म में आती है और दिस ऑल्सो ट्रीट्स, एक्चुअली दिस इज अ क्रीम, ठीक है, टॉपिकली अप्लाई करते हैं फॉर द हिर्सुटिज्म एंड द एंड्रोजेनिक सिम्टम्स, ठीक है। अगर पेशेंट के बाल जो है वो इतने ज़्यादा हैं, हिर्सुटिज्म इतना ज़्यादा है कि हम उसको मेडिकेशन से ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है, लाइक इफ्लोर्निथीन क्रीम से और सिप्रोटीरोन एसीटेट से ट्रीट नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम लेज़र या इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, लेज़र से हम उसके बाल उतारते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीकॉस। इसके हम यूकस देख लेते हैं। इसको मैं पीकॉस कहती हूँ, लेकिन इसको पीकॉस इसका नाम नहीं है, इसको हम PCOS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन PCOS ना ज़्यादा आपको मुश्किल लगता है बोलने में, इस वजह से मैंने पीकॉस रखा हुआ है, अदरवाइज इसको हम PCOS कहते हैं, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, 22 ईयर्स ओल्ड मल्टी पैरा केम विद द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोइंग द पॉलीसिस्टिक ओवरीज, वो डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस जो कि आपको मिल सकती हैं, ऑब्वियसली कौन कौन सी हो सकती हैं, हमने देखा कि हिर्सुटिज्म एक्टिव हो सकती है, इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी हो सकती है, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, एड्रिनल एंजाइम डेफिशिएंसीज हो सकती है, एड्रिनल हाइपरप्लेसिया हो सकता है, डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस आपकी इस तरह से आती हैं, ठीक है। देन आउटलाइन द मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहले आप लिखोगे जनरल मैनेजमेंट, जिसमें आप लिखोगे लाइफ स्टाइल, डाइट, वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज। मेडिकल में आप लिखोगे COCPs, मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या आप दे सकते हो साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा आप अगर मेटफॉर्मिन दोगे, GnRH एनालॉग्स दे सकते हो, साथ में क्लोमिफीन सिट्रेट दोगे फॉर द ओवुलेशन इंडक्शन, और अगर आपका जो है वो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर आप ओवरियन लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग करोगे, ठीक है। और एंड्रोजेंस के सिम्टम्स को कैसे ट्रीट करोगे, आप दो चीज़ें यूज़ करोगे, आप दोगे इफ्लोर्निथीन क्रीम या सिप्रोटीरोन एसीटेट, और अगर पेशेंट इन ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा उसको, तो फिर हम क्या देंगे उसको, लेज़र ट्रीटमेंट, ठीक है। देन इज़ अ 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल है आपके पास, एंड 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल, नली पैरस, ओबीज लेडी, मैरिड फॉर 3 ईयर्स, और लिगोमिनोरिया फॉर 5 ईयर्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये बहुत ही कोई ऐसी औरत है जो 5 साल से उसको लिगोमिनोरिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ हर इनफर्टिलिटी, ठीक है, वो आपने बताना है कि PCOS हो सकता है, हाउ विल यू ट्रीट हर, ठीक है। तो ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं। 19 ईयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद सेकेंडरी एमेन्यूरिया, ठीक है, एंड हिर्सुटिज्म। सेकेंडरी एमेन्यूरिया मीन्स पहले मेंस्ट्रुएशन आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही, हिर्सुटिज्म, ठीक है। BMI इज 30। डायग्नोसिस क्या होगा, PCOS, ठीक है। व्हाट इज एक्सेप्टेड क्राइटेरिया, हिर्सुटिज्म आपको बता रहे हैं ना, और BMI बता रहा है, ओबेसिटी है फीमेल को, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इसका क्या होता है, क्राइटेरिया इसका क्या होता है, रोटेरडम क्राइटेरिया। रोटेरडम क्राइटेरिया में 3 में से 2 होने चाहिए, कौन से 3-2 हैं, सबसे पहले एमेन्यूरिया और लिगोमेन्यूरिया होना चाहिए, मतलब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, दूसरा ये बायोकेमिकल और क्लिनिकल साइंस होने चाहिए हाइपर एंड्रोजिनिज्म के, हमारे हार्मोन लेवल्स हमने चेक करवाए वो इस तरह से होने चाहिए, मैंने बता दिया कि 3:1 से ज़्यादा होने चाहिए LHFSH रेशियो, एंड्रोजन ज़्यादा होने चाहिए, ईस्ट्रोजन ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। देन थर्ड इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बीट्स, ठीक है। तो इनमें से 2 होंगे तो दैट विल बी डायग्नोस्टिक फॉर द PCOS, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक PCOS।